जैसे कि आप देख सकते हैं कि हेल्थ मॉनिटर पैकेज बुक कर दिया गया है और ये एक मॉक पैकेज अभी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं आप सभी को डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए। 199 का पैकेज है ये और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें नाम और वो सब चीज़ें आ रही हैं। अब हम इस बुकिंग को डन करेंगे और किस तरह से आपने इस बुकिंग को डन करना है, किस तरह से आपने सारे पैरामीटर्स को चेक करना है, उसकी पूरी ट्यूटोरियल आपको इसके थ्रू दे दी जाएगी। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ रहा है स्टार्ट हेल्थ मॉनिटर, इसमें हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही आपने क्लिक किया उसके बाद ये पैरामीटर्स आपको देखने स्टार्ट हो जाएंगे, हेल्थ मॉनिटर, वेट मशीन, हेल्थ कर्मा एंड सबमिट। अब हम इसके बाद हेल्थ मॉनिटर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये स्टार्ट करते ही थोड़ा सा ये हमारी जो डिवाइस है, ये अभी हम इसको चार्ज किया है, अभी इसको निकाल देते हैं। इस डिवाइस को हम, ये ऑलरेडी ऑन है जैसे आप देख सकते हैं, ब्लू लाइट जल रही है इसमें। यहाँ पे कनेक्ट नाउ का ऑप्शन है, इसमें हम कनेक्ट नाउ इसको हम क्लिक करेंगे। अब इसमें आ जाता है डिवाइस कनेक्टेड और डिवाइस के सारे पैरामीटर्स जो भी हैं आपको क्लियरली दिख रहे हैं कि बैटरी पावर कितनी है और बाकी डिटेल्स जो है हार्डवेयर की इसमें आ जाती है। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला आता है ब्लड प्रेशर। शबाज आप बताइए। तो नाउ यू वीडियो, तो जैसे आप देख सकते हैं कि ब्लड प्रेशर के सारे पैरामीटर्स यहाँ पे, जैसे ही ये डिवाइस को लगाएंगे पेशेंट के हाथ में तो हम यहाँ पे क्लिक टू कंटिन्यू दबाएंगे और सारे पैरामीटर आ जाएंगे। अभी हम डिवाइस को अटैच कर रहे हैं इसके साथ में। अभी डिवाइस को अटैच किया है हमने पैड के साथ में, अब लगाते हैं विक्रम जी का हम कर रहे हैं यहाँ पर। ये आप क्लियरली एक बार ये भी देख लें कि इसमें अप एंड डाउन मेंशनड है, ऐसा ना हो कि ये चीज़ आप पेशेंट के उल्टा कर दें। तो इन दोनों चीज़ों को देख के ही जो अप डायरेक्शन है उसी तरह उसी डायरेक्शन में आप इसको पेशेंट के हाथ में डालें। इसको कस के अच्छे से बांध देना ताकि मशीन हिले ना, और इस चीज़ का भी ध्यान रहे कि पेशेंट का हाथ बिल्कुल स्टिल होना चाहिए, किसी भी तरह से कोई भी डिस्टरबेंस पेशेंट के हाथ को नहीं होनी चाहिए। क्लिक टू मेजर करेंगे। अब इसके बाद जैसे आप देख सकते हैं हमने मशीन लगा दी है, अब हम सिंपली यहाँ पे क्लिक टू मेजर प्रेस करेंगे। हेलो, ये स्टार्ट हो गया। ये मशीन स्टार्ट हो चुकी है, जैसे आपको आवाज़ भी शायद आ रही होगी कि एक वाइब्रेशन की आवाज़ आ रही है, इसका मतलब कि मशीन अपना काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये सारे मेजरमेंट्स 119 और 82 74, ये तीनों यहाँ पे आ चुके हैं और मशीन ने बहुत एक्यूरेटली तीनों पैरामीटर्स को, बीपी के पूरे पैरामीटर को कैप्चर कर लिया है। इसके बाद हम सिंपली इसको कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट हम आ जाएंगे बॉडी टेम्परेचर वाले पैरामीटर के ऊपर। बॉडी टेम्परेचर जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हेल्दीन्स के इस साइड जो ये आप देख रहे हैं, बॉडी टेम्परेचर हम इससे कैलकुलेट करेंगे। सिंपली इसको हम कस्टमर के फॉरहेड मतलब माथे से करीब 5 इंची या 4 इंच दूर रख के मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक टू मेजर दबाने से पहले हमने ये पेशेंट के सर में यूँ दिखाया और यहाँ पे क्लिक टू मेजर किया। इसको फिर से करेंगे, थोड़ा सा नज़दीक करना पड़ेगा। 96.1 और ये पूरा करेक्टली हो गया है। यहाँ पे हम कंटिन्यू प्रेस करेंगे, फिर हम आ जाएंगे बॉडी ऑक्सीजन हार्ट रेट SpO2 वाले इंडेक्स पे। यहाँ पे सिंपली ये मशीन रखी हुई है और
इन्होंने यहाँ पे अपनी उंगली रखी है, बिल्कुल भी पेशेंट को इस उंगली को डिस्टर्ब नहीं करना है बिल्कुल, और प्रेशर के साथ अप्लाई करना है, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो, मीडियम प्रेशर के साथ यहाँ पे उंगली को प्लेस करना है और यहाँ पे हम करेंगे क्लिक टू मेजर, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कैप्चर हो रहा है डेटा। और ये मशीन कैप्चर कर रही है। और एक रेड इंडिकेटर आप देख सकते हैं नीचे रेड लाइट जल रही है, इसका मतलब कि डेटा कैप्चर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि 92 का ब्लड ऑक्सीजन इनका आया है जो कि एक्चुअली कम है, तो हम एक बार इसको रीचेक करते हैं जस्ट टू कंफर्म कि ये सही है या गलत है। एकदम प्रेशर अप्लाई किया आपने बिकॉज 92 थोड़ा कम है। SpO2 92 इज लेस ना, 95 इज लेस। वी थॉट कि वी विल मेक एन एंटायर वीडियो सो दैट कैस्केड करने में इजी होगा। नाइन्टी टू ही है मतलब। तो आप देख सकते हैं कि 92 इनका ऑक्सीजन लेवल है, तो एनीवे ये वैसे लो है, चलिए इसको हम बाद में देखेंगे। तो अभी कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, अब आ जाते हैं ब्लड ग्लूकोज पे। ब्लड ग्लूकोज के लिए ये स्ट्रिप्स अवेलेबल हैं हमारे पास और एक लेंसेट। शवास जैसे आप देख सकते हैं कि इन लेंसेट से इनका खून निकाल लिया है। अब सिंपली हम इसमें देखा, ये इसका स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को हम मशीन में इस जगह पे दिख रहा हुआ क्लियरली यहाँ पे खून का निशान बना हुआ है, हम यहाँ पे इसको इंसर्ट कर देंगे और ये फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर ये फिक्स हो गया, हो जाएगा। अब हम यहाँ पे दबाएंगे क्लिक टू मेजर टेस्टिंग। अब इसमें आ गया कि द टेस्ट स्ट्रिप इज़ रेडी, प्लीज ड्रॉप द ब्लड सैंपल इनटू द टेस्ट स्ट्रिप। अब हम सिंपली इस स्ट्रिप को इस प्रकार से यहाँ पे टच करा देंगे। जी तो ये वैल्यू इसमें आ चुकी है, आप देख सकते हैं ये 8.8 mmol पर लीटर। अब यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद ECG वाले पेज पर हम आ जाएंगे और इसको कैलकुलेट करने का तरीका है इस प्रकार से। जो ये एल्युमिनियम स्ट्रिप है इसमें हमने अपना इंडेक्स फिंगर, मतलब ये दो उंगलियाँ पेशेंट की, इंडेक्स और मिडिल फिंगर, इंडेक्स और मिडिल ECG के लिए ये बीच वाली, बीच वाली इंडेक्स हो जाएगा ना, इससे हो जाएगा। और थम को जो है हम यहाँ पे इस प्रकार से पकड़ लेंगे, तो ये दोनों उंगलियाँ, ये थम और इस उंगली की इंडेक्स फिंगर हम यहाँ पे ऐसे अटैच कर लेंगे। अब इसको हम करेंगे क्लिक टू मेजर। अब आप देख सकते हैं कि मेरी दोनों उंगलियाँ हैं और ये मशीन स्टार्ट हो चुकी है, रीडिंग इसमें आनी स्टार्ट हो गई है, डेटा कैप्चर होना स्टार्ट हो गया। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल स्टिल पकड़ा हुआ है, ज़्यादा हिलना डुलना नहीं है। ये आपको डेमोंस्ट्रेशन पर्पस के लिए, मैं थोड़ा मुझे मशीन थोड़ी हिल रही है, अदरवाइज ये बिल्कुल स्टिल रहेगी। अब आप देख सकते हैं कि हाँ ये मेजरमेंट आ चुकी है, संदीप मेजरमेंट आ चुकी है ना। हाँ सर, अब इसको क्लिक करिए, ग्राफ पर क्लिक करिए, ग्राफ आ गया, सबमिट हो गया, ये अब डेटा सबमिट हो चुका है। जी अब हम आ जाएंगे वेट मशीन पे। वेट मशीन इसमें मेरी हाइट निकाल यार। अब आप देख सकते हैं कि ये पेज आएगा यहाँ पे और इसमें हम करेंगे क्लिक टू कनेक्ट। पानी ला लेंगे,
भाई सॉक्स उतार दे, सॉक्स उतार। इसमें ध्यान रहे कि इस वेइंग मशीन पे सॉक्स उतार के ही पेशेंट को खड़ा होना है, क्योंकि इसमें एक एल्यूमिनियम प्लेट लगी हुई है जो डेटा मेजर करती है। बिना सॉक्स के मतलब नंगे पाँव ही वो डेटा कैप्चर हो पाएगा। चढ़ना फिर ऊपर उतर जाना, रीडिंग स्टार्ट। अब एक बार पेशेंट को इस पर चढ़ना है और फिर उतर जाना है। देखो इसमें लाइट ऑन, इसमें लाइट ऑन हो जाएगी, ये आप देख सकते हैं कि अरे इसमें देखिए ये लाइट देखिए ऑन हो गई, बिना में फिर से खड़े हुए तब उतर जाइए। ये देखिए ये इसमें लाइट ऑन हो गई और ये हम यहाँ पे इसको कर देंगे क्लिक टू कनेक्ट, डिवाइस कनेक्टेड। और अब विक्रम आप वापस इसमें खड़े हुए हैं सेकंड टाइम। अब देखिए जैसे विक्रम खड़े हुए वहाँ पे इसमें सारा डेटा कैप्चर हो गया है और इंडिकेशन सक्सेस लिखा हुआ इसमें आ चुका है। हाँ, अब हमने यहाँ पे ये सारी जो डेटा पॉइंट्स थे हमने यहाँ पे इसको सबमिट कर दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने हेल्थ मॉनिटर पूरा सारे पैरामीटर्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं, तो इसमें एक टिक मार्क आ गया है ग्रीन कलर का। सिमिलरली वेट मशीन वाला भी जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो लास्ट स्टेज आती है वो आती है हेल्थ कर्मा की, जिसमें कुछ सवाल होते हैं जो हमने पेशेंट से पूछने होते हैं। मेरे हिसाब से या तो अगर आप खुद भरना चाहें तो आप खुद भी भर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे और आप अपना फ़ोन पेशेंट को दे सकते हैं कि सर ये कुछ सवाल हैं आपके हेल्थ कर्मा को लेकर, ये आप इसमें अपने आप इसको भर सकते हैं। तो या तो आप खुद भी डाल सकते हैं या फिर अगर आप और आप साथ साथ हिंदी में भी अगर क्या चीज़ आप बोलते हैं कि हाँ तो कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जो जो शायद इंग्लिश में ना बात करते हो या उनको समझ में ना आए, तो आप उनको हिंदी में समझा सकते हो कि जैसे इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि आर यू वेजिटेरियन, तो क्या आप शाकाहारी हैं, और अगर नॉन वेज हैं, अगर आप मांसाहारी भी हैं तो कितनी बार खाते हैं हफ्ते में या जो भी। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं कि नॉन वेज हैं और ओकेजनली हैं, कभी कभी नॉन वेज खाते हैं, और वेजिटेरियन हैं लेकिन दूध दही मक्खन ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं। तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो वो पेशेंट अपने मुताबिक आपको बता सकते हैं और आप इसमें डाल सकते हो। तो जैसे मैं नॉन वेज हूँ तो मैं इसमें नॉन वेज कर रहा हूँ। उसके बाद हाउ मेनी डेज़ पर वीक डू यू एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स और मोर, मतलब एक हफ्ते में कितने दिन आप कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं 30 मिनट से ज़्यादा। तो जो भी ऑप्शन उसमें होगा 5 बार या 3 से 4 बार या जो भी आप उसमें ऑप्शन क्लिक करवा सकते हैं। फिर आप बाहर का खाना हाउ मेनी टाइम्स यू ईट आउटसाइड और जंक फूड, मतलब बेसिकली आप बाहर का फास्ट फूड या फिर बाहर का खाना हफ्ते में कितनी बार आप खाते हैं, तो उसमें जो भी ऑप्शन सही बैठे वो आप कस्टमर से बात करके इसमें डाल सकते हैं। ओकेजनल, कभी कभी, हफ्ते में एक बार, 2 से 3 बार या जो भी बनता है। आप धूप में कितने देर तक रहते हैं, 1 से 3 घंटे प्रतिदिन, कम से कम 1 घंटा एक दिन में या फिर बहुत कम 3 घंटा एक हफ्ते में, वो भी जो भी ऑप्शन आपको पेशेंट बताए उसके हिसाब से क्लिक कर सकते हैं। क्या आप सिगरेट का सेवन करते हैं, तो नहीं मैं नहीं करता, मैं 1 से 3 पीता हूँ एक दिन में या फिर 5 से 10 या फिर 10 से ज़्यादा। तो इसमें जो भी ऑप्शन होगा वो पेशेंट इसमें लिख देगा, जैसे मैं तो नहीं पीता हूँ तो नो आई डोंट स्मोक। फिर हाउ मेनी ड्रिंक्स यू हैव पर डे, मतलब 30 ml का अगर हम हार्ड लिकर या शराब का सेवन करते हैं या बियर पीते हैं तो कितना, तो जो नहीं पीता वो उसमें लिखेगा आई डोंट ड्रिंक एट ऑल। अगर मैं हफ्ते में 1 से 3 बार पीता हूँ तो मैं, वो भी ऑप्शन है। अगर 5 से 8 बार पीता हूँ, 5 से 8 ड्रिंक पीता हूँ तो वो भी ऑप्शन है। और अगर मैं 10 से ज़्यादा ड्रिंक पीता हूँ, मतलब अगर मैं हैवी ड्रिंकर हूँ, तो फिर ये भी ऑप्शन है। रात को सोते वक्त कोई परेशानी होती है, डू यू हैव एनी ट्रबल वाइल स्लीपिंग, नो, समटाइम्स गेट डिस्टर्ब ड्यू टू ब्रेथलेसनेस, मतलब सांस लेने में कभी तकलीफ होती है। फिर यूरिनेशन, मतलब अगर किसी को, हिंदी में क्या कहते हैं यूरिनेशन को, सुसू को क्या कहते हैं हिंदी में, पेशाब, किसी को अगर पेशाब ज़्यादा आती है रात को सोते वक्त या रुक रुक के आती है तो वो भी ऑप्शन है। और मेंटल स्ट्रेस की वजह से या डिप्रेशन की वजह से या फिर अल्कोहलिज्म की वजह से, तो ये मेरा ऑप्शन नो है। फिर क्या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, मतलब खाना पचाने में या फिर पेट की कोई दिक्कतें रहती हैं, उसके भी ऑप्शन हैं।
फिर मसल जॉइंट्स में या फिर शरीर के कुछ हिस्सों में दिक्कत होती है, दर्द रहता है, हाँ ना या फिर कभी कभी, वो भी ऑप्शन है। कितने बार आप बीमार पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा या बहुत कम या फिर कभी कभी, वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। पेशाब को लेके कोई समस्याएं, तो उसके उसके ऑप्शन हैं यहाँ पे और आप उसको चूज़ कर सकते हैं। कोई भी सर्जरी अगर पिछले 5 साल में आपने आपकी कोई भी सर्जरी अगर आपने पिछले 5 साल में कराई है तो या फिर अभी करा रहे हैं तो उसके भी आप यहाँ पे अपनी ऑप्शन दे सकते हैं। अगर हाँ, फैमिली हिस्ट्री कोई भी डिज़ीज़ को लेकर जैसे किडनी या फिर हेपेटाइटिस, कैंसर, डायबिटीज़, जो भी, तो आप इसमें चूज़ कर सकते हैं। और इसमें लास्ट ऑप्शन आता है सब ख़त्म करने के बाद, गेट योर लाइफ स्टाइल स्कोर, इसमें आप क्लिक करेंगे। अब ये तीनों चीज़ें आप देख सकते हैं कि हेल्थ मॉनिटर, वेट मशीन और हेल्थ कर्मा, जो भी सवाल जवाब का भी पूरा वो सेशन चला था वो भी कंप्लीट हो चुका है। सिंपली अब यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे और इसको हमने सेव कर दिया यहाँ से। सॉरी, ये सिग्नेचर पेज है, इसमें जो भी सिग्नेचर होगा कस्टमर अपना दे सकता है, और फिर यहाँ पर सेव कर दिया। आप समरी पे गए और कंटिन्यू। अब इसको अगर फ़ोन, जो भी हमने पेमेंट करनी है, तो मैंने अगर फ़ोन पे से पे करना है तो हो गया डन। अब आप देख सकते हैं कि हमारी ये, मैंने ईमेल आईडी खोल दी है और तुरंत ये हेल्थियस के नाम से ये ईमेल आ चुका है, जिसमें मेरी रिपोर्ट पीडीएफ फॉर्म में ये आ चुकी है। मैं इसको खोलूँगा और ये पूरी की पूरी रिपोर्ट मेरे पास इस प्रकार से, जैसे मेरा SpO2, मेरा मेटाबॉलिज्म, पल्स काउंट, HRV, टेम्परेचर, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड प्रेशर, मसल मास, बोन मास, बॉडी फैट, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। मेरा हेल्थ कर्मा इसके मुताबिक है 62/100। तो इसी प्रकार से सारे ये जो रिपोर्ट है, 1 पेज रिपोर्ट कस्टमर को ईमेल पे पहुंच जाएगी। थैंक यू।